बिल्डिंग को ठीक 18 डिग्री पे टिल्ट किया गया और कैसे लाखों टन वजनी इस झुकाव को गिरने से बचाया गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1, लंदन बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म को जब ये टास्क दिया गया तो यही इनका सबसे बड़ा चैलेंज था। उनको एक ऐसा डिजाइन बनाना था जो उनके ही बनाए गए आर्किटेक्चर रूल्स के खिलाफ हो। आर्किटेक्चर फर्म के कई डिजाइन्स पहले तो रिजेक्ट किए गए, लेकिन फिर इस डिजाइन को बनाने के लिए उन्होंने अबू धाबी के रेगिस्तान में मौजूद खूबसूरत रेत के टीलों और समंदरी लहरों से इंस्पायरेशन ली और अब बारी थी कुदरत के इस खूबसूरत जोड़ को शक्ल देने की। कॉन्सेप्ट आर्किटेक्ट नील वेंडरवीन ने दिन रात एक करके ऐसा डिजाइन पेश किया जिसको समंदरी लहर की शेप दी गई और जिसका बॉटम रेत के टीलों जैसा था। और तो और हर एंगल से देखने पर बिल्डिंग का व्यू बिल्कुल चेंज हो जाता है। चैलेंज नंबर 2, ये डिजाइन शेख सुल्तान को पसंद तो बहुत आया लेकिन इसमें एक मसला था। जी हाँ, कैपिटल गेट के डिजाइन को रियलिटी बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग चाहिए थी, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से बिल्डिंग का टॉप उसके बॉटम से पूरे 108 फीट हटा हुआ था और जिसकी वजह से बे इंतहा फोर्सेस पैदा होंगी जो बिल्डिंग की फाउंडेशन को जमीन से ही उखाड़ देंगी। तो अब कंस्ट्रक्शन टीम के लिए ये चैलेंज था कि उनको एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करनी थी जो झुकी हुई साइड के लाखों टन के वजन को आराम से झेल सके। इस चैलेंज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट टोनी आर्किबोल्ट ने फाउंडेशन बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। कैपिटल गेट की फाउंडेशन में 400 कंक्रीट पाइल्स इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, यानी इस बिल्डिंग का सारा लोड लोहे के मोटे मोटे पाइप्स और उनके अंदर भरे कंक्रीट पे डाला जाने वाला था। लेकिन ये कोई आम फाउंडेशन नहीं थी। जिस साइड पर बिल्डिंग झुकेगी उसके नीचे फाउंडेशन पर 200 पाइल्स लगाए गए, जबकि दूसरी साइड वाले पाइल्स की लेंथ ज्यादा रखी गई, जिनको जमीन के अंदर ही मौजूद बड़े बड़े पत्थरों में ड्रिल करके अंदर घुसाया गया। इंजीनियर्स का ख्याल था कि इस तरीके से फाउंडेशन का लोड पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो था फाउंडेशन बनाने का सिर्फ प्लान। चैलेंज नंबर 3, कैपिटल गेट का डिजाइन भी तैयार था और अब इंजीनियर्स ने लीनिंग टावर का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाउंडेशन का प्लान भी तैयार कर लिया था। अब टाइम था फाउंडेशन का काम स्टार्ट करने का। इस फाउंडेशन के लिए बहुत बड़े लेवल पे खुदाई की जरूरत थी और तकरीबन 9600 टन मिट्टी जमीन से निकालनी थी, यानी सिर्फ फाउंडेशन डालने के लिए जमीन से निकलने वाली मिट्टी का वजन ही 1600 हाथियों के वजन के बराबर होना था। इस काम को अंजाम देने के लिए 8 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था, लेकिन अचानक एक और मसला आ खड़ा हुआ। जी हाँ, इस मौके पर शेख सुल्तान ने इस बिल्डिंग की डेडलाइन जारी कर दी थी, क्योंकि